हाय गाइस, बी टाउन हॉप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉर 2 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देखते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोकप्रिय एक्टर ऋतिक रोशन इन दिनों इटली में अपनी अपकमिंग मूवी वॉर 2 की शूटिंग में व्यस्त है। इटली में चल रही शूटिंग सेट से ऋतिक रोशन की कई वीडियो और पिक्चर इंटरनेट पर सामने आई है। इन पिक्चर में ऋतिक रोशन का धांसू लुक फैंस को खूब पसंद आया है। फैंस की बढ़ती बेचैनी को देखने के बाद अब ऋतिक रोशन एक बार फिर इटली से एक फ्रेश फोटो शेयर की है जिसमें एक्टर का कूल लुक नजर आ रहा है। ऋतिक रोशन इस फोटो में ट्राउजर के साथ हाफ टी शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। फोटो में एक्टर को खुले आसमान की ओर देखते हुए देखा जा सकता है। फोटो पर लोगों ने तारीफ भरे कमेंट किए हैं और खूब प्यार बरसाया है और जमकर लाइक भी की है। फोटो शेयर करते हुए ऋतिक रोशन ने कैप्शन दिया, ये सब इटली में वॉर 2 के सेट से है। एक यूजर ने भी कमेंट किया, कबीर इज बैक। ऋतिक रोशन स्टार वॉर 2 का डायरेक्शन अयान मुखर्जी कर रहे हैं। इस मूवी में ऋतिक रोशन के साथ इस बार साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर को बड़े पर्दे पर देखा जाएगा और फिल्म में ऋतिक रोशन पहली बार जूनियर एनटीआर के साथ काम करने जा रहे हैं। इनका जो फर्स्ट सीक्वल आया था वॉर, इसमें ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ देखने को मिले थे, लेकिन इस बार टाइगर श्रॉफ की जगह जूनियर एनटीआर ने ली है। मेकर्स ने ऋतिक रोशन के साथ वॉर 2 में केरा अडवाणी को कास्ट किया है। वॉर 2 में ऋतिक रोशन और केरा अडवाणी एक रोमांटिक सॉन्ग भी प्ले करने वाले है और ये मूवी अगले साल रिलीज की जा सकती है। तो दोस्तों, आप भी ये मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।